हेलो फ्रेंड्स, रेज टू हेल्प में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप साउंड सिस्टम या फिर माइक्रोफोन एम्पलीफायर इंस्टॉल कर सकते हैं क्राउड के लिए, या फिर कैसे आप इसमें कॉर्डलेस या फिर कॉलर माइक को कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ में मैं एम्पलीफायर के सभी पोर्ट्स और इसके फंक्शंस को डिस्क्राइब करूंगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं केवल 0.4% लोगों ने ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यह एम्पलीफायर का फ्रंट व्यू है और यह एम्पलीफायर का रियर व्यू है। तो यहाँ पर रियर में आप देख सकते हैं ये डीसी इनपुट है। यहाँ पर हम डीसी इनपुट कनेक्ट करेंगे जो कि 24 वोल्ट रहेगा, और ये कॉमन 70 वोल्ट और 100 वोल्ट यहाँ पे हम स्पीकर को कनेक्ट करेंगे, और ये कॉमन 4 ओम और 8 ओम यहाँ पर भी हम स्पीकर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। और ये लाइन इन लाइन आउट प्री एम्प आउट ऑक्स 1 ऑक्स 2 इनके फंक्शंस मैं आपको आगे बताता हूँ। और ये एम्पलीफायर का फ्यूज़ है जिसकी रेटिंग 4 एम्प्स है, और इस एम्पलीफायर की रेटिंग 250 वाट है। और ये इसके बोम्पू स्पीकर्स हैं जो कि 100 वोल्ट स्पीकर हैं। आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी लिखा हुआ है 100 वोल्ट स्पीकर्स हैं ये। तो आप यहाँ पे ओम वाले स्पीकर भी यूज़ कर सकते हैं और वोल्टेज वाले भी यूज़ कर सकते हैं। ओम वाले जो बॉक्स स्पीकर रहते हैं वो ओम वाले स्पीकर रहते हैं, तो इनको कैसे लगाना होता है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ये हैं बॉक्स स्पीकर जिसकी रेटिंग 8 ओम या फिर 16 ओम रहती है। यह कॉर्डलेस माइक का बॉक्स है। कॉर्डलेस माइक भी दो तरह में आते हैं। इसमें हमें दोनों ही हैंड माइक मिले हैं जो कि कॉर्डलेस हैं, तो एक ये तरह से आता है और दूसरे तरह में आता है। उसमें हमें एक हैंड माइक मिलता है और एक हमें कॉलर माइक मिलता है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस वाले डिब्बे में हमें एक हैंड माइक मिला है और एक हमें कॉलर माइक मिला है। ये भी सेम उसी प्रिंसिपल पे काम करेगा, लेकिन इसमें हमें दोनों हैंड माइक की बजाय हमें एक हैंड माइक मिला है और एक हमें कॉलर माइक मिला है। इन सबको कैसे कनेक्ट करना है एम्पलीफायर के साथ में वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी एम्पलीफायर, स्पीकर्स, कॉर्डलेस माइक, कॉलर माइक या फिर इनकी एक्सेसरीज़ को ख़रीदना चाहते हैं, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रखे हैं। आप उन लिंक्स पर क्लिक करके इनको परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एम्पलीफायर में हॉर्न स्पीकर या फिर बोम्पू स्पीकर्स को कनेक्ट करना है, तो उनको आप कॉमन 70 वोल्ट और 100 वोल्ट पे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जो हॉर्न स्पीकर हैं वो नॉर्मली 70 वोल्ट या फिर 100 वोल्ट के रहते हैं, तो आप उनको 70 वोल्ट या फिर 100 वोल्ट पर ही कनेक्ट करें। और अगर आप बॉक्स स्पीकर कनेक्ट कर रहे हैं जिनकी वैल्यू ओम में रहती है, जैसे 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम, तो आप उनको कॉमन या और 4 ओम या फिर 8 ओम पे कनेक्ट करेंगे। इनका एक फॉर्मूला रहता है, अगर आप स्पीकर्स को, बॉक्स स्पीकर्स को अगर आप सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं तो इनका रेजिस्टेंस प्लस होगा, और अगर आप इनको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो इनका रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको दो बॉक्स स्पीकर कनेक्ट करने हैं जिनकी वैल्यू है 16 ओम्स, तो अगर आप दो 16 ओम्स स्पीकर्स को कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, तो इनका कलेक्टिव रेजिस्टेंस बन जाएगा 1/R = 1/R1 + 1/R2, जो कि हो जाएगा R = 8 ओम। मतलब आपको स्पीकर के, एम्पलीफायर के पीछे कनेक्ट करना होगा कॉमन और 8 पे। और अगर आप दो 4 ओम के स्पीकर्स को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो R = R1 + R2, जो कि 8 ओम हो जाएगा, तो आपको पीछे कनेक्ट करना है कॉमन और 8 ओम पे। लाइन इन और लाइन आउट पोर्ट्स मिक्सर में यूज़ होते हैं, जो कि हम अभी नहीं कर रहे हैं। प्री एम्प आउट को हम मॉनिटरिंग या फिर रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑक्स 1 और ऑक्स 2 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जैक्स हैं, अगर आपको एक्सटर्नल डीवीडी या फिर मोबाइल कनेक्ट करना है या फिर आपको कॉर्डलेस माइक या कॉलर माइक कनेक्ट करने हैं, तो वो आपके ऑक्स 1 और ऑक्स 2 पर ही कनेक्ट होंगे। और इनका कंट्रोल फ्रंट से है, और कहां से होगा वो मैं आपको आगे बताता हूं। दोस्तों, आप देख सकते हैं एम्पलीफायर के आगे हमें नीचे में 6 जैक दिए हुए हैं, यहां पर हम 6 माइक कनेक्ट कर सकते हैं, और इनका कंट्रोल नॉब जो है वॉल्यूम का वो ऊपर ही है। माइक 4 के ऊपर और माइक 5 के ऊपर आप देख सकते हैं ऑक्स 1 और ऑक्स 2 का ऑप्शन भी है, और इसके जस्ट नीचे ही एक
टॉगल स्विच है जिसको हम स्विच करके इसको माइक या फिर ऑक्स 1 और ऑक्स 2 की पोजीशन पर कर सकते हैं। और ये जो तीसरा वाला है इसके साथ में माइक 6 और यूएसबी को कंट्रोल कर सकते हैं। यूएसबी जो कि साथ में देखिए एक यहाँ पे ये यूएसबी पोर्ट है, तो अगर हम यूएसबी पोर्ट पर कुछ लगाते हैं तो उसको हम माइक 6 के टॉगल स्विच से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हमें ऑक्स 1 और ऑक्स 2 को यूज़ करना है तो हम माइक 4 और माइक 5 की नॉब को टॉगल स्विच के साथ में यूज़ कर सकते हैं। और ये एक और टॉगल स्विच है जिससे हम सिलेक्ट करेंगे कि हम बॉक्स स्पीकर यूज़ कर रहे हैं कि हॉर्न स्पीकर यूज़ कर रहे हैं, मतलब हमें पीछे स्पीकर ओम पर कनेक्ट करने हैं या फिर वोल्टेज पर कनेक्ट करने हैं। बास और ट्रेबल नॉब से हम इसकी बास और ट्रेबल को कंट्रोल करेंगे। मास्टर नॉब को हम एक बार माइक और स्पीकर्स की वॉल्यूम को सेट करने के बाद छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि मास्टर कंट्रोल जो है ये माइक्स का मास्टर कंट्रोल रहता है, इसको छेड़ने से माइक की आउटपुट में दिक्कत हो सकती है। आउटपुट लेवल एलईडीज दिखाती हैं कि आउटपुट का क्या लेवल है। रीसेट स्विच रीसेट के लिए है, ओवरलोड एलईडी जलेगी अगर ओवरलोड दिखा रहा है तो, पावर एलईडी है और इसके नीचे पावर ऑन ऑफ का स्विच है। चलिए अभी कॉर्डलेस माइक को कनेक्ट करते हैं। इस बॉक्स में दो हैंड माइक हैं, हैंड माइक्स के लिए एडिशनल बैटरी है, अडाप्टर है माइक कंट्रोल बॉक्स के लिए और एक मोनो केबल है जो कि इस बॉक्स को कनेक्ट करेगी एम्पलीफायर के साथ में। माइक कंट्रोल बॉक्स के आगे एक ऑन ऑफ स्विच है और दो वॉल्यूम कंट्रोल नॉब्स हैं और इसके बैक साइड में दो एंटीना हैं, एक पावर सप्लाई इनपुट का पॉइंट है और तीन जैक हैं, आउटपुट 1, आउटपुट 2 और आउटपुट 1+2। अगर आप दोनों माइक को अलग अलग यूज़ करना चाहते हैं तो आप आउटपुट 1 या फिर आउटपुट 2 पे मोनो केबल को लगाएं और उसका दूसरा एंड एम्पलीफायर में कनेक्ट करें। और अगर आप दोनों माइक्स को एक ही साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप आउट 1+2 पे कनेक्ट करें और इसका दूसरा एंड एम्पलीफायर में ऑक्स 1, ऑक्स 2 या फिर सीधे डायरेक्ट माइक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं माइक बॉक्स की मोनो केबल को डायरेक्ट माइक 1 पे कनेक्ट कर रहा हूँ और इसका दूसरा एंड मैं सीधे आउटपुट 1+2 पर कनेक्ट कर रहा हूँ। कॉर्डलेस माइक को यूज़ करने से पहले आप एक बार इनके हैंड माइक्स की बैटरी वोल्टेज ज़रूर चेक कर लें। इनको बैटरी वोल्टेज चेक करने के लिए पीछे से खोलेंगे और ये 9 वोल्ट की बैटरी इसमें रहती है। आप इसकी वोल्टेज एक बार चेक कर लें 9 वोल्ट है कि नहीं, अगर कम है तो इसको न्यू बैटरी से रिप्लेस कर दें। कॉर्डलेस हैंड माइक के ऑन ऑफ स्विच में तीन पोजीशन रहती हैं, ऑफ, स्टैंड बाई और ऑन। अगर आप इसको मिडल में रखते हैं जो कि स्टैंड बाई पोजीशन है, अभी ये काम नहीं करेगा लेकिन ये ग्रीन लाइट जलेगी कि अभी ये इसकी बैटरी ऑन है लेकिन ये अभी चलेगा नहीं, ये देखिए। लेकिन जब मैं इसको ऑन पोजीशन पे करूँगा तो ये काम करना शुरू कर देगा, तो इस बात को आप ध्यान पे रखें। अगर आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो स्टैंड बाई पे रखें, और अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसको ऑन पे रखें ना कि स्टैंड बाई पे, नहीं तो इसकी आवाज़ नहीं आएगी। यह माइक स्टैंड है, इसको आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यह अहूजा का केबल हैंड माइक है, इसको आप स्टैंड पे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने हाथ में पकड़ के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक केबल लगेगी जो कि एम्पलीफायर में माइक वाले जैक पे जाके कनेक्ट होगी। तो चलिए एम्पलीफायर को ऑन करते हैं। इस एम्पलीफायर में आप देख सकते हैं मैंने 24 वोल्ट इनपुट भी कनेक्ट की हुई है। इसके लिए मैंने दो 12 वोल्ट की बैटरी को सीरीज में कनेक्ट किया है जिसकी कलेक्टिवली 24 वोल्ट मैंने इसके इनपुट में दी हुई है। तो चलिए एक माइक को माइक 1 पे कनेक्ट करते हैं। तो चलिए माइक को ऑन करते हैं। तो ये देखिए ये अच्छे से काम कर रहा है, इसकी वॉल्यूम को हम माइक 1 की वॉल्यूम नॉब से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी एम्पलीफायर, स्पीकर्स, कॉलर माइक, कॉर्डलेस माइक, माइक स्टैंड या फिर इसकी एक्सेसरीज परचेज करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रखे हैं, आप उन लिंक्स पर क्लिक करके इनको ऑफर प्राइस में परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पिंग लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।